जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं देशी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैच है सुई वर्सी ईएसपी का, फुटबॉल का इंटरनेशनल जो फ्रेंडली मैच चल रहा है दोस्तों, आज 3 जून 2018। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास टीम न्यूज अपडेट हो चुकी है, तो देख लेते हैं दोस्तों टीम न्यूज में क्या आया है, प्लेइंग 11 क्या बनने वाली है, ड्रीम 11 की टीम हमने क्या बनाई है, कैप्टन वाइस कैप्टन और किसको चूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पर आ चुके हो, अगर आपने मेरी वेबसाइट को अब तक विजिट नहीं किया तो विजिट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको दोस्तों ड्रीम इलेवन क्रिकेट की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की, आने वाली फीफा वर्ल्ड कप की और दोस्तों आने वाली कबड्डी के मैच की सभी टीमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और दोस्तों, हमने अपना मोबाइल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पब्लिश कर दिया एंड्रॉइड का, ड्रीम इलेवन क्रिकेट 11 के नाम से। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आपको दोस्तों सभी टीमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और दोस्तों यहाँ पे हम न्यूज़ की नोटिफिकेशन भी समय पर भेजते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। सीधी बात करते हैं मैच की, सबसे पहले देख ले टीम का नाम क्या है। दोस्तों टीम का नाम है स्विट्जरलैंड वर्सेस स्पेन टीम, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मैच कब है। मैच है दोस्तों आज शाम को 7 बजे, आज है 3 जून 2018। दोस्तों भारत के समय अनुसार समय चेंज हो सकता है, वो अपने अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हो। बात करते हैं मैच कहाँ पे है। दोस्तों मैच है स्टेडिया डी ला कर्सिमा विला रील स्पेन में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं टीम न्यूज़ की। दोस्तों स्विट्जरलैंड की टीम न्यूज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्विट्जरलैंड 24 मैच जीत चुके हैं, 5 ड्रॉ करे हैं दोस्तों, 9 मैच लूज कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं स्विट्जरलैंड ने 26 मैन की स्क्वाड भेजी है दोस्तों, 26 मैन की दोस्तों 26 प्लेयर भेजे हैं स्क्वाड में। और दोस्तों जो मिस आउट कर रहे हैं उनकी सुन लो, स्ट्राइकर एरन डेरजियो नहीं खेलने वाले, मिडफील्डर फैबियन फेरी भी नहीं खेलने वाले, डिफेंडर टीम क्लोसे भी दोस्तों नहीं खेलने वाले, ये मिस आउट कर रहे हैं इस गेम को, बड़े प्लेयर हैं दोस्तों ये मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। ये तो थी टीम न्यूज़। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो गोल, स्विट्जरलैंड प्लेन में SUI की, गोलकीपर के तौर पर खेलेंगे बर्की, डिफेंडर्स के तौर पर खेलेंगे लीचेस्नियर, सेनर, डरजो, रोड्रिग्यूज। अगर बात करते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर की तो डिफेंसिव मिडफील्डर में खेलेंगे देखो जाका और फर्नांडिस। बात करते हैं अटैकिंग मिडफील्डर की तो अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर खेलेंगे सेकेरी, डजिमेली, जुबेर। बात करते हैं फॉरवर्ड की तो फॉरवर्ड के तौर पर खेलेंगे दोस्तों सेफिरोविक। दोस्तों आपको कितने दिन हो गए ड्रीम इलेवन खेलते हुए, क्या आपको रियल में पता है हमारा ड्रीम इलेवन में कॉम्पिटिटर कौन है? अगर नहीं पता दोस्तों ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको रियल में पता लग जाए हमारा ड्रीम इलेवन में कॉम्पिटिटर कौन है। अगर ये वीडियो 1% भी आपको हेल्पफुल लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आकर कमेंट कर दीजिए, हम निसंकोच आपकी हेल्प करेंगे। सीधी बात करते हैं स्पेन की टीम न्यूज़ की। तो दोस्तों देख लीजिए स्पेन के मैनेजर ने कहा है हम 13 बार दोस्तों जीत चुके हैं 18 मैच में से, ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पेन के मैनेजर ने बताया। दोस्तों एलोवेरा मोरोटेना एंड मार्कोस एलोंसो दोस्तों मिस आउट कर रहे हैं इस गेम को, एलोवेरा मोराटा एंड मार्कोस एलोंसो, ठीक है फ्रेंड। ये तो थी टीम न्यूज़। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेन की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों गोलकीपर के तौर पर खेलेंगे डीगिया, डिफेंडर्स के तौर पर खेलेंगे करजावल, रेमस, पीक्यू, एल्बा। बात करते हैं मिडफील्डर की तो मिडफील्डर के तौर पर खेलेंगे थियागो, इनिस्टिया, कोके। बात करते हैं फॉरवर्ड की तो फॉरवर्ड के तौर पर खेलेंगे एसेंसियो, इस्को, कोस्टा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर आप इसको और रिकार्डो रोड्रिग्यूज़ को आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी, दोनों के दोनों प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं और दोस्तों टॉप स्कोरर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सीधी बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की। तो ड्रीम इलेवन में चलते हैं दोस्तों, आपको अपनी टीम हम एडिट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो गोलकीपर के तौर पर मिल गया डेविड डिगिया को। अगर बात करें डिफेंडर्स की तो हमने लिए हैं 5 प्लेयर्स, देख लेते हैं दोस्तों। एक लिया दोस्तों सेर्गियो रेमस को, एक लिया है जोर्दी एल्बा को, एक लिया दोस्तों रिकार्डो रोड्रिग्यूज़ को, एक लिया दोस्तों फेबियन सेचर को और एक लिया दोस्तों हमने डेनी करजावेल को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें मिडफील्डर की तो हमने लिए 3 प्लेयर्स, देख लेते हैं फटाफट से। एक लिया दोस्तों इस्को को, एक लिया दोस्तों छेडन सेकिरी को, एक लिया है मार्को एसेंसियो को। इसके बाद अगर हम बात करें फॉरवर्ड की तो हमने लिए 2 प्लेयर्स, एक लिया दोस्तों हैरी सेफेरोविक को, एक लिया डियागो कोस्टा को। आई एम सॉरी दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन देख लिया, कैप्टन के तौर पर मिल गया इसको को और वाइस कैप्टन के तौर पर मिल गया दोस्तों रिकार्डो रोड्रिग्यूज़ को। सेव टीम करके दोस्तों इसका एक बार प्रीव्यू दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप टीम का प्रीव्यू देख पा रहे हो, अगर वीडियो 1% भी आपको हेल्पफुल लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारा एंड्रॉइड का एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने कॉम्पिटिटर वाली वीडियो अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। बाकी के मैच की टीम आपको समय पर मिलती रहेंगी। आज की सुनो बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देसी जुगाड़ यूट्यूब चैनल देखते रहिए, ड्रीम इलेवन खेलते रहिए और जीतते रहिए। धन्यवाद।